नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के बीच दरारें पड़ गई है। जी हाँ, महागठबंधन टूट गया है, महागठबंधन में फूट पड़ गई है। इस बीच इस खबर के बाद, महागठबंधन में टूट की खबर के बाद से लगातार सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। जी हाँ, लगातार निशाने पर लिया जा रहा है विपक्ष को। इस बीच अब पप्पू यादव आरजेडी को आड़े हाथों लेते नजर आए। जी हाँ, पप्पू यादव के द्वारा आरजेडी को आड़े हाथों लिया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव कांग्रेस का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए आज पप्पू यादव नजर आए मीडिया के सामने। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव कहते नजर आए कि आजकल वह मछली पकड़ रहे हैं और कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। यह वही सोनिया गांधी है, वही कांग्रेस पार्टी है जिनके बदौलत आरजेडी आज जिंदा है। आरजेडी को कांग्रेस ने जिंदा रखा है और आज आरजेडी को जिंदा रखने वाली कांग्रेस से उनका औकात पूछ रहे हैं, लज्जा भी नहीं आती। जी हाँ, कांग्रेस का समर्थन करते हुए पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आए और यह बात कहते नजर आए। आपको बता दें कि पप्पू यादव के द्वारा यह भी कहा गया कि भाजपा की बी टीम है आरजेडी, भाजपा के लिए काम करती है आरजेडी, यह किसी से छिपा नहीं है। पप्पू यादव बड़ा हमला बोलते नजर आए। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। अब ये मार्च मारेंगे और बीजेपी की भी टीम बन के हमेशा कांग्रेस को ही करियाओ और कांग्रेस का औकात बतावा। जिस कांग्रेस ने आपको जिंदा रखा, जिस सोनिया जी ने, सोनिया जी नहीं होती तो वो परिवार कब की खत्म हो गए होते हैं। और अब बीजेपी उसी के कंधों पर रखे नीतीश कुमार को मारना चाहती है। अब कुछ छोटी पार्ट तो सुन लिया आपने। पप्पू यादव के द्वारा आरजेडी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला गया, बड़ी बात कहते हुए नजर आए आज पप्पू यादव। आरजेडी को बीजेपी का बी टीम तक पप्पू यादव ने करार दे दिया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। महागठबंधन में फूट पड़ गई है, पलटवार वार और पलटवार का भी दौर लगातार जारी है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आरजेडी पर हमला बोला जा रहा है और आरजेडी की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इस बीच पप्पू यादव के द्वारा आपको याद ही होगा कि साफ कहा गया था कि इस उपचुनाव में पप्पू यादव कांग्रेस का समर्थन करेंगे और यही वजह है कि पप्पू यादव के द्वारा आरजेडी पर हमला बोला जा रहा है और कांग्रेस का समर्थन किया जा रहा है। आज एक बार फिर से पप्पू यादव ने कांग्रेस के प्रति अपना प्यार दिखाया और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते नजर आए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।